लगभग हम सभी इंसान सांप से बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि इसका जहर जानलेवा होता है। लेकिन दोस्तों, हर एक सांप जहरीला नहीं होता है और अगर टाइम पे हॉस्पिटल ले जाया जाए तो किसी भी जहरीला सांप के काटने से भी जान बच सकती है। सांप का जहर दोस्तों खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी कुछ सांप देखने में काफ़ी सुंदर होता है और एक हेल्दी इकोसिस्टम के लिए सांप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राणी है। आज मैं दोस्तों आपको ऐसे ही एक सुंदर सांप के बारे में बताऊंगा, जिसे इंग्लिश में कॉमन वाइन स्नेक और हिंदी में हरा लाता सांप के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल वाइल्ड एज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये वाइन स्नेक इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में पाया जाता है। पतला सा ये सांप लंबाई में 3 से 6 फीट तक होता है और इनका रंग ज़्यादातर हरा और भूरा होता है। इसी रंग की वजह से दोस्तों ये सांप पेड़ों की डाली पे या झाड़ियों पे बिना नजर आए छुपा हुआ रह सकता है। आपने आसपास की परिवेश में खुद को छुपा के रखने का ये जो तरीका है, इसे कैमोफ्लेज बोला जाता है और इसी के कारण ये जैसे अपनी शिकार की एकदम नज़दीक जाके अचानक शिकार को दबोच सकता है, ठीक वैसे ही शिकारी प्राणियों से खुद को छुपा के भी बचा सकता है। ये एक ट्री स्नेक है, अर्थात ये पेड़ पे ही रहता है और नॉर्मली नीचे नहीं आता है। इसका मसल इतना स्ट्रांग होता है कि ये अपनी पूंछ के ऊपर प्रेशर देके अपने बाकी बॉडी को हवा में रखते हुए एक डाली से दूसरी डाली पे आराम से चढ़ जाता है। वाइन स्नेक का मुंह पतला और नाक का अगला हिस्सा नोकीला होता है। ये दुनिया का एकमात्र सांप की प्रजाति है जिसका आँख का मणि दूसरे सांपों जैसा खरा ना होके आरा होता है। मादा वाइन स्नेक अंडे नहीं देती है बल्कि डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है। कॉमन वाइन स्नेक मेनली छिपकली, मेंढक और छोटे मोटे पंछियों को अपनी शिकार बनाता है। अपनी कैमोफ्लेज क्षमता के कारण ये झाड़ियों पे बहुत ही आसानी से खुद को छुपा लेता है और वेट करता है, और जब भी कोई पंछी या छिपकली इसे बिना देखे इसके नज़दीक चला आता है, ये बहुत ही स्पीड से उसे पकड़ लेता है और धीरे धीरे पूरा निकल जाता है। कभी कभी दोस्तों छिपकलियों के खोज में ये हमारे घर पर भी घुस आता है। ये वाइन स्नेक दोस्तों एक सेमी विनामास अर्थात कम जहरीला सांप है। इसका जहर दंत ऊपर के जबड़े के ठीक बीचों बीच रहता है और ये इंसान को आसानी से नहीं काटता है, लेकिन डर जाने से ये अपने गले को फुलाते हुए बॉडी का ब्लैक एंड व्हाइट मार्किंग दिखाता है और बड़ा करके मुंह खोल के सामने वाले पशु या इंसान को डरा के भगा देने की कोशिश ज़रूर करता है। इसका जहर का असर इतना कम है कि ये सांप हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, लेकिन दोस्तों काटने की जगह पे इन्फेक्शन ना हो इसीलिए नज़दीकी हॉस्पिटल जाके डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। इंडिया में दोस्तों कहीं कहीं जगह पे इस सांप को लेके एक भ्रम ये है कि ये सांप इंसान की आँखें नोच लेती है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ ये सरासर गलत और एक अफवाह है। ये सांप इंसानों को किसी भी तरह की खतरा नहीं पहुंचाती है। इसीलिए दोस्तों अगर ये सांप कभी आपको दिख जाए या फिर छिपकली की खोज पे या आपके घर पे घुस आए, प्लीज़ इसे मारिएगा मत, इसे भगा दीजिए या फिर अपनी नज़दीकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ संपर्क कीजिए। याद रखिएगा, आपके और मेरे तरह इसे भी जीने का पूरा अधिकार है। सो दोस्तों, ऐसे और भी नेचर और एनिमल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वाइल्ड इज गाय को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बी वाइल्ड, सेव वाइल्ड।